लक्स डीआईडी डबल्स के मंच पर इस हफ्ते पहली बार जनता का फैसला आया और सिर्फ एक हफ्ते पहले वाइल्ड कार्ड के जरिए आई जिस जोड़ी को ये मंच छोड़कर जाना पड़ा वो हैं ओमकार अक्षता। जो जनता फैसला करती है वो सर आंखों पर, अगर उनको लगता है कि ओमकार और अक्षता को इतना जल्दी एलिमिनेट हो जाना चाहिए था विदाउट गिविंग देम अ चांस टू डू समथिंग एंड प्रूव देमसेल्व्स, सो बी इट। मुझे ओमकार और अक्षता के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत 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 ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उनको सबसे कम वोट मिले। बहुत बुरा लगता है कि दो दिन के लिए सिर्फ तुम उस सोफे पे बैठो, क्योंकि बहुत दो महीने तक वेट किया था उस सोफे पे बैठने का, अच्छे अच्छे परफॉर्म करने का, बहुत कुछ ख्वाब देखे थे तो ख्वाब पूरे होते होते रह गए, पर कोई बात नहीं, आगे करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है कि अब वोट्स कम मिले, ठीक है हमारा दिन नहीं था आज, पर कोशिश तो जारी रहेगी। मेरी ऑडियंस वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे या उन्होंने रजिस्टर नहीं हो पाए होंगे कि अरे अच्छा ये है ओमकार अक्षता करके, सो मे भी उन्होंने उस हिसाब से उनसे वोट नहीं किया होगा। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ अगर जो उनको अच्छा लगता है किसी का भी परफॉर्मेंस तो प्लीज़ वोट कीजिए। ये अब होना ही है और ये समझ के चलना मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कि आगे जाके एक ही को जीतना है, तो वो मेरे टीम से हो या किसी और की टीम से हो, समवन हैज़ टू विन। इस मंच को हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, स्पेशली वहाँ हमारे जो भगवान बैठते थे टीम हमारे मेंटर्स, उनको हम बहुत मिस करेंगे और जिन्होंने हमें ये चांस दिया, ये हमें मौका दिया। हम कभी कभी सोचते हैं कि जो अच्छा है उसे तो कोई ना कोई वोट करेगा ही, और उस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि शायद उनके वोट्स कम हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई आप इन्हें वोट करे, मैं ये कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगे इसका परफॉर्मेंस तो आप खुद वोट करें। हम ये कह सकते हैं कि वी आर गुड परफॉर्मर और बाकी जो डिजर्व टू बी इन कंपटीशन, पर हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाए इसके वजह से। हम सब लेके जा रहे हैं यहाँ से परफॉर्मेंस ऑफ द डे लेके जा रहे हैं, बस दादा का ग्रैंड सैल्यूट लेके जा रहे हैं, सब हम लेके जा रहे हैं, तो वो एक वो हमारी उम्मीद को एक बहुत सपोर्ट करेगा और यह हमारी उम्मीद दुगनी होगी और हम ऐसे ही डांस करते रहेंगे। मास्टर ने हमें डीआईडी 3 में बुलाया है, सो हम पूरी कोशिश करेंगे, तब तक जो आप हमारे में अभी कमियाँ थी वो हम पूरी करें और स्टैंड बाय में नहीं।